जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप रोज पूजा पाठ करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार पूजा में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 2, देवी पर दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। 3, शिवलिंग पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। विष्णु जी को तिलक लगाते वक्त चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। 2 शंख एक समान पूजा घर में नहीं रखने चाहिए। मंदिर में 3 गणेश की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। तुलसी दल का सेवन करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे चबाकर नहीं खाना है। घर के द्वार पर जूते चप्पल उल्टे नहीं रखने चाहिए। दर्शन करके वापस लौटते समय मंदिर की घंटी नहीं बजानी चाहिए। कभी भी एक हाथ से आरती नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को बिना आसन के कभी भी नहीं बैठाना चाहिए। स्त्री द्वारा दंडवत प्रणाम वर्जित है। बिना दक्षिणा के कभी भी ज्योतिषी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। घर में पूजा करने के लिए अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिला को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। रजस्वला स्त्री को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। परिवार में सूतक हो तो पूजा प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवजी की पूरी परिक्रमा कभी भी नहीं लगानी चाहिए। शिवलिंग से बहते हुए जल को नहीं लांघना चाहिए। कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूसरे के दीपक से अपना दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। चरणामृत लेते समय दाएं हाथ के नीचे एक नैपकिन रखना चाहिए, ताकि एक भी बूंद नीचे ना गिरे। चरणामृत पीकर हाथों को सिर या शिखा से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि आंखों पर लगाना चाहिए, क्योंकि शिखा पर गायत्री का निवास होता है, उसे अपवित्र नहीं करना चाहिए। देवताओं को लोभान या लोभान की अगरबत्ती की धूप नहीं दिखानी चाहिए। स्त्रियों के द्वारा हनुमान जी और शनिदेव को स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए। कुआरी कन्याओं से पैर नहीं पड़वाने चाहिए। मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। मंदिर में भीड़ होने पर लाइन पर लगे हुए भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए और अपने क्रम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। शराबी का भैरव के अलावा अन्य मंदिर में प्रवेश वर्जित माना गया है। मंदिर में प्रवेश के समय पहले दाहिना पैर रखना चाहिए और मंदिर से निकलते समय बायां पांव पहले बाहर रखना चाहिए। मंदिर में घंटी को इतनी जोर से नहीं बजाना चाहिए कि उससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो सके तो मंदिर जाने के लिए एक जोड़ी वस्त्र अलग ही रखे जाने चाहिए। मंदिर अगर ज्यादा दूर नहीं है तो बिना जूते चप्पल के पैदल ही चले जाना चाहिए। मंदिर में भगवान के दर्शन खुले नेत्रों से करें और मंदिर से खड़े खड़े वापस नहीं आना चाहिए। 2 मिनट बैठकर भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन लाभ अवश्य लेना चाहिए। आरती लेने अथवा दीपक का स्पर्श करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक हाथ नहीं धोने चाहिए। इन सभी बातों को हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरागत रूप से हमें प्रदान किया है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।